तेजस्वी यादव, लालू जी के बेटा, लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव। का स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी इन दिनों फिर से काफी तेज हो गई है। दरअसल गुरुवार को एक कार्यक्रम से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने कुछ महिलाओं को पैसे बांटे थे। पैसे बांटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसी के बाद से वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। गुरुवार को तेजस्वी यादव ने बैकुंठपुर के दिघवा बाजार में पूर्व राजद विधायक स्वदेव दत्त राय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर राजद विधायक प्रेम शंकर यादव के घर जा रहे थे। इसी दौरान बांसघाट मंसूरिया गांव से पहले तेजस्वी ने गाड़ी रुकवाकर घास काट रही कुछ महिलाओं को 500 और 1000 के नोट थमा दिए। नोट बांटने के दौरान वे खुद को लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव बता रहे थे। मामले को लेकर जदयू नेता नीरज कुमार ने भी ट्वीट कर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लिखित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत दर्ज की है। वहीं इस मामले को लेकर गोपालगंज के सदर SDM उपेंद्र कुमार पाल ने कहा है कि वीडियो संज्ञान में आया है। इस वीडियो की सत्यता की जाँच के लिए बैकुंठपुर के थाना अध्यक्ष और वीडियो को जाँच के लिए कहा गया है। वे वीडियो की जगह और समय की जांच करेंगे। अधिकारियों की ओर से सत्यापन होने के बाद ही तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में आचार संहिता लागू है, जिसकी वजह से ये मामला आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जेल यात्री माननीय लालू प्रसाद के सुपुत्र माननीय तेजस्वी यादव का आचरण पिता जैसा। 2004 में ऐसा ही आरोप माननीय लालू प्रसाद जी झेले थे। बिहार में पंचायती आम निर्वाचन 2021 आदर्श आचार संहिता प्रभावित है और वहां वो पंचायती राज के प्रक्षेत्र बैकुंठपुर में लोक आस्था के महत्वपूर्ण पर्व तीज महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का हम सम्मान से सर झुकाते हैं और उनके आंचल में चंद रुपए देकर करके आचार संहिता का तो उल्लंघन किया ही है, साथ ही साथ लोक मर्यादा के विपरीत आचरण भी पेश किया है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि पंचायती राज प्राधिकार आदर्श आचार संहिता के मापदंडों के अनुरूप इस मामले को संज्ञान लेगा।